चलिए एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद पहुंची हैं और वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड में वो हिस्सा लेने वाली हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। दो दिवसीय दौरे पर हैं फिलहाल महामहिम द्रौपदी मुर्मू। डुंगी गल में संयुक्त स्नातक परेड की समीक्षा भी वो करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ओडिशा के दौरे पर आज रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह और महाजन संपर्क अभियान के तहत गृह मंत्री का ये दौरा है। ढेंकनाल महाजन संपर्क अभियान में हिस्सा लेंगे। ओडिशा के दौरे पर रहेंगे आज गृह मंत्री अमित शाह। ढेंकनाल में विशाल जनसभा को शाह संबोधित करने वाले हैं। ढेंकनाल में जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा का आयोजन किया गया है। केंद्र की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का यह अभियान है। गृहमंत्री अमित शाह आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ढेंकनाल में विशाल जनसभा को भी अमित शाह संबोधित करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह जनसभा रखी गई है। केंद्र की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का ये अभियान है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने पर अब विवाद छिड़ गया है। नेहरू संग्रहालय का नया नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदल दिया है और नाम बदलने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। बदलाव प्रतिशोध और संकीर्णता के चलते बदला गया है नाम। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदला गया। सोसाइटी के उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री ने दरअसल बैठक की थी। अब संस्थान सभी प्रधानमंत्रियों के लिए होगी। देखिए, नाम बदलने को लेकर विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। वहीं नेहरू संग्रहालय मामले पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता कुछ नया खोल लेते, नया खोलने में क्या कोई समस्या थी? दरअसल बीजेपी को गांधी नेहरू से दिक्कत है। बीजेपी ने राहुल गांधी का संसदीय दर्जा छीन लिया, उन्होंने उनका बंगला छीन लिया। और हद तो तब हो जाती है अगर राहुल गांधी एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अमेरिका जाते हैं तो वहां कुछ कहते हैं तो पूरी की पूरी बीजेपी की टीम बयान देना शुरू कर देती है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी जो हुआ करता है दिल्ली में, उसमें से नेहरू नाम हटा दिया गया है, उसको प्राइम मिनिस्टर का मतलब इनको तकलीफ है। नया खोल लेते और बना लेते कोई तकलीफ है क्या? लेकिन नहीं, इनको तो गांधी नेहरू परिवार से परेशानी है। राहुल गांधी जी उसे सांसद ही छीन लिए, उसके बाद उसके भवन भी छीन लिए, उसके बाद एक सामान्य व्यक्ति के रूप में यदि अमेरिका जाके कोई बात कहते हैं तो उसमें पूरा मंत्रिमंडल, पूरा भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी एक लाइन से लग जाते हैं विरोध करने।
चलिए एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, ये बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है छत्तीसगढ़ कांग्रेस। विधानसभा स्तरीय शिविर शुरू किया गया है। प्रशिक्षण शिविर का दूसरा सत्र आज रायपुर में होने वाला है। शुक्रवार को पाटन से शिविर का आगाज किया गया था। 18 जून को रामपुर और बिल्हा में प्रशिक्षण शिविर, 19 जून को अकलतरा और जांजगीर चांपा में यह शिविर होगा। 19 जून को भाटापारा क्षेत्र में भी प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है दरअसल कांग्रेस, और शिविर का आयोजन दरअसल किया जाएगा। तो आपको बता दें कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है और तैयारियां कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड की रांची से पारा शिक्षक मुख्यमंत्री आवास का आज घेराव करने वाले हैं। फिर से आंदोलन पर सहायक अध्यापक, वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। घेराव में आने के लिए मंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।